चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ जो कि आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मायूसी छाई हुई है और हर कोई अपने अपने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहा है। तो वहीं दिनेश यादव निरहुआ के फैंस चाहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें मंत्री पद दे। जी हां, आपको बता दें कि दिनेश यादव निरहुआ के फैंस चाहते हैं कि जिस तरीके से स्मृति सिन्हा पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद भी मोदी सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया गया था, ठीक उसी तरीके से दिनेश यादव निरहुआ को भी मोदी सरकार उन्हें मंत्री पद कोई ना कोई जरूर दे। जी हाँ, इसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़े ही जोर शोर से हो रहा है और हर कोई चाह रहा है कि दिनेश यादव निरहुआ को कोई ना कोई मंत्री पद मिलेगा, लेकिन फैसला तो कल ही होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी सरकार कल यानी कि 30 मई को शपथ ग्रहण होने जा रहा है और शपथ ग्रहण समारोह में मोदी सरकार के कई मंत्री शपथ लेंगे। अब देखना यही होगा कि दिनेश यादव निरहुआ को कल कोई मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह तो फैसला कल ही होगा, यानी कि दिनेश यादव निरहुआ का मंत्री बनने का सपना कल पूरा होगा या नहीं होगा, यह तो कल ही पता चल पाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर दिनेश यादव निरहुआ के फैंस इस तरह की आवाज बड़े ही जोर शोर से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और वो करीब 2.5 लाख वोट से हार चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से दिनेश यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में अपनी चुनावी रैली किया था, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिनेश यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।